यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लोहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानियुग उठता रहेगा, और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। और उस सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हल्लेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए।